एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। सपोज करिए कि आपको 2, 4, 6, 18 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको जितनी भी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो उन संख्याओं को ऐसे कॉमा लगा के लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 बन जा 2। फिर टेबल पढ़िए, इसमें 2 2 जा 4, इसमें टेबल पढ़िए 2 3 जा 6, इसमें टेबल पढ़िए 2 9 जा 18। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। और जिसमें इसकी टेबल ना लगे उसमें डिवाइड नहीं करना है, वो नंबर ऐसे ही लिख देना है। तो देखिए 1 में डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ डिवाइड करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2 बन जा 2, ये 3 में डिवाइड नहीं लगेगा और ये 9 में भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगला नंबर 3 है, तो ये 1 और 1 यहाँ पहले से है, तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, अगेन वी डिवाइड बाई 3, वी गेट 1 1 1 एंड 3 बन जा 3। ओके, हियर यू सी ऑल द आंसर इज 1। ओके, नाउ द एलसीएम इज, एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 3। ओके, 2 × 2 × 3 × 3। आंसर देखिए क्या आ रहा है, 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए आपको 4, 5 और 16 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? सेम रूल, ये लाइन ऐसे खींचिए और इसमें डिवाइड कराइए, जो सबसे छोटा नंबर है क्या है, 4 है, डिवाइड कराइए, 4 1 जा 4, 5 में डिवाइड नहीं होगा और ये 4 4 जा 16, अगेन 4 से डिवाइड, ये 1 रहेगा, ये 5 में डिवाइड नहीं होगा और 4 1 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 5 है यहाँ, तो 5 से डिवाइड कराएंगे, 1 1 1, यहाँ एलसीएम कितना आया, जब ये 1 1 1 आ जाता है तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू 4 × 4 × 5, इट मीन्स 80, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है आपको 16, 13, 14 एंड 60, इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ध्यान से, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, 16, 13, 14 एंड 60। देखिए ये लाइन खींची और ये दूसरी लाइन खींची, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से, यानी कि ऑड नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए 2 8 जा 16, 13 ऐसे ही रहेगा, 2 7 जा 2 3 जा एंड 0, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 13 ऐसे ही रहेगा, 7 भी ऐसे ही रहेगा, ये 15, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा, ये 13 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 13 ऐसे ही रहेगा, 7 और 15। अब देखिए 2 के बाद हमने किससे डिवाइड करने को कहा था, 3 से, 3 से करिए डिवाइड, तो 1 ऐसे ही रहेगा, 13 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा और 15, 3 5 जा 15। अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो अब कितने से डिवाइड कराएंगे, 5 से, ये हो गया 1 13, ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिवाइडेशन 13 में नहीं होगा, 5 के पहाड़े में, 5 की टेबल में 13 नहीं आता है। नेक्स्ट है 7, 5 की टेबल में 7 भी नहीं आता है, तो 7 भी ऐसे ही और 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है, 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 13 ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7 हो गया और 1 यहाँ पर। अब 13 से डिवाइड कराएंगे तो हो गया 1 1 1, 13 से इसको डिवाइड करिए, 13 1 जा 13, ठीक है। अब देखिए कि आपका एलसीएम कितना आया,
इनकी मल्टीप्लाई कराना है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 लिख लीजिए, 48 इंटू 35 इंटू 13, 2 1 7 6 0, इट इज़ योर आंसर एंड इट इज़ योर LCM। नाउ आई गेव यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व देम। ओके, द क्वेश्चंस आर नेक्स्ट, दीज आर ओनली 4 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, यू हैव टू फाइंड LCM ओनली।